हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज की तारीख है 3 जुगल किशोर रघुवंशी जी का आज बर्थडे है। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? तो उसी की तैयारी चल रही है, इसलिए घर में थोड़ी छोटी सी पूजा रखी है जिसमें पूरे फैमिली मेंबर्स आएंगे। सुंदरकांड। और आप सबने एक बात नोटिस करी होगी कि ये वीडियो क्वालिटी थोड़ी अच्छी हो गई है। नहीं मतलब अच्छी हो गई है यार। मैंने एक्चुअली नया फ़ोन ले लिया है, तो उसकी अनबॉक्सिंग वगैरह वो भी इसी वीडियो में मैं डाल दूंगा। एक्चुअली हुआ ऐसा ना कि मैं ये इसका ख़रीदने वाला व्लॉग नहीं बना पाया, सॉरी फॉर डैट। वो इसमें ही डाल दूंगा मैं, लेकिन मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो बनाई है, ठीक है, वो मैं इसमें डाल दूँगा। हाँ, मैं ये बोलना चाह रहा था कि ये वाला व्लॉग शायद छोटा हो सकता है, तो सॉरी फॉर डैट। सो गाइस, पापा इज हियर नाउ। पापा व्यूअर्स को बोल तो दो। हे गाइस, ऑल ऑफ यू गुड इवनिंग, एंड टुडे आई एम अ बर्थडे बॉय, एंड आज इज जस्ट गोइंग टू सर्च ऑल दिस एंटायर इवेंट। नहीं इन द इवनिंग ऑल द फैमिली मेंबर्स विल सिट टुगेदर एंड एंजॉय अ लॉट, सो जस्ट लुक एट। मेरे पापा को अंग्रेजी से कुछ ज्यादा ही प्यार है। I'm so happy, and on this birthday I think Adit first time has given me a gift by his own pocket money. मैंने जो खुद सेव करी थी। Yes, it is his pocket money, and instead of that I just I have done that mobile. ये कट 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 14 times यार। अब मैं जब कमाऊंगा तब मैं भी तो इनको दूंगा ना। डेफिनेटली, ऑफ कोर्स, इट इज योर ड्यूटी, यू हैव टू डू दैट, इट इज माय रिस्पांसिबिलिटी। और देखो, मैं तो कमाने से पहले ही गिफ्ट दे रहा हूँ। नहीं रियली, सो आई एम श्योर यू विल डू योर बेस्ट। अभी आप प्रेजेंट को लेके अपनी भावनाएं बताएं। नहीं मुझे पता है कि वट एवर यू विल डू योर बेस्ट, एंड टुडे आर माय बर्थडे, एंड माय ऑल फैमिली मेंबर्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, भाभीज एंड चिल्ड्रंस विल कम टू होम एंड दे विल एंजॉय टुगेदर। आई विल रिप्लेस दिस विद माइक। यस। सो गाइस, सुंदरकांड हो चुका है और सब जा चुके हैं। बहुत मजा आया यार, बहुत दिनों बाद घर में पूजा हुई, अच्छा लगा। ऐसी पूजा होती रहना चाहिए, पॉजिटिव इन्वायरमेंट बना रहता है। और ऐसे भी जैसा अभी टाइम है, उस हिसाब से जितना पॉजिटिव रहो उतना ही अच्छा है। चलिए ठीक है, मज़ा आया। सो गाइस, अभी पापा ने मुझे ये नया फ़ोन गिफ्ट करा है, क्योंकि मेरे बर्थडे पे तो लॉकडाउन था इसलिए तब दे नहीं पाए, इसलिए अब दिया है। और अब पापा का बर्थडे आने वाला है तो उससे पहले मुझे मिल गया है, मैंने भी पापा को गिफ्ट करा, ठीक है, ऐसा सेल्फिश मत समझना। सो लेट्स डू द अनबॉक्सिंग ऑफ माय न्यू फ़ोन। जैसे आप सब देख सकते हैं, गैलेक्सी A52, थोड़ा ऐसा बॉक्स है। अब फ़ोन को खोलते हैं। ये सबसे ऊपर तो अपना फ़ोन है, जैसे मैंने डब्बे पे दिखाया, ब्लू कलर है। मेरे को एक ब्लैक मिला था, तो पुराना फ़ोन ब्लैक है तो ब्लैक तो ट्राई करना ही नहीं था। ये मुझे थोड़ा अट्रैक्टिंग लगता है और फॉर्मल भी है, तो अगर कभी पापा को ऑफिस लेके जाना है तो पापा भी जा सकते हैं। तो अभी फ़ोन को साइड में रखते हैं, बाकी के बॉक्स कंटेंट की बात करते हैं। तो ये यहाँ पे एक ये मिलता है, इसमें ये सिम इजेक्टर टूल,
और अंदर के साइड पेपर वर्क है, देखेंगे अगर कुछ काम का मिला था। वारंटी कार्ड, किक स्टार्ट गाइड एंड रीजनल लॉक गाइड्स हैं, काम की नहीं अपने। फिर ये चार्जिंग केबल आती है। मैं अगर सीरियसली बताऊँ ना, मतलब मेरे घर में मेरे मतलब मैं मेरे पापा और मेरी मम्मी ने आज तक ये USB टाइप सी वाला फ़ोन यूज़ नहीं करा, तो ये हमारे घर में पहला है और गर्व की बात ये है कि मेरा ही है। सो इसको भी अब साइड में रखते हैं। और ये चार्जर है, मैंने स्पेसिफिकेशंस देखी थी इसकी, तो इसमें ये 15 वॉट का है। मैं बाकी का स्पेसिफिकेशंस डाल दूंगा तो आप देख सकते हो। और अब फ़ोन को स्टार्ट कर लेते हैं। पहले ये खोलते हैं, किधर से खुलता है ये, क्या बोला तूने? किधर से खुलता है? दो मिनट, हाँ बंद कर। इधर से खुलता है गाइस, फर्स्ट टाइम है ना यार। खुल जा खुल जा खुल जा सिम सिम। ये आप क्या अपना नया फोन, मैं इसके ओए होए गजब यार, इसका सरफेस बड़ा सही है। मतलब वैसे अगर देखें ना तो मैं पास से दिखाता हूँ, ये इसका जो ये कैमरा बम्प है, ये और ये एक साथ ही बना हुआ है, लेकिन यहाँ के और यहाँ के फिनिश अलग है। वैसे ये सैमसंग जो वो करता है क्लेम पॉलीकार्बोनेट ही है। और इसके स्पेसिफिकेशंस मैंने बताई दिए हैं आपको, अब इसको स्टार्ट कर लेते हैं। चार्ज करना पड़ेगा, चार्ज था सैमसंग गैलेक्सी है। वीडियो पापा बना रहे हैं इसलिए थोड़ा हिलेगा टुलेगा, ठीक है। सो गाइस ऐसा कुछ फ़ोन है, ओवरव्यू दे देता हूँ मैं। ऊपर के साइड में ये सिम ट्रे है, ये एक सेकेंडरी माइक्रोफोन है। इस साइड वॉल्यूम बटन है, और ये वॉल्यूम बटन है, और ये पावर बटन है। कौन सा मॉडल है तुम तो? ओ हाँ सही बात बोली, ये A52 है गैलेक्सी का, और ये 8GB रैम वाला वेरियंट है। हाँ लिखा है इसके ऊपर, ये स्पेसिफिकेशंस ही यहाँ पे लिखी हैं, और ये यहाँ पे 8GB वाला साइन बना रखा उन्होंने ताकि क्लैरिफाई हो सके। और ये वाली साइड पूरी प्लेन है, और नीचे के साइड पे ये 3.5mm जैक मिलता है, USB टाइप सी और स्पीकर्स, और ये वही है माइक्रोफोन। तो कुछ ऐसा दिखता है सेटअप, में हमने वहीं पे कर लिया था जैसे मैंने आपको बताया, चेक करने के लिए कि मतलब फ़ोन में कुछ ऐसे एरर वेरर तो नहीं है। तो इसकी स्पेसिफिकेशंस में मैं दो तीन चीज़ें बता देता हूँ कि इसका जो कैमरा है, अरे मैसेज सिम डाला आपने? नहीं सिम नहीं डाला अभी, सिम डाल अभी डाल देंगे। तो इसके स्पेसिफिकेशंस बता देता हूँ मैं थोड़े बहुत। इसका जो कैमरा है, मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का है, जिसमें OIS भी मिलता है। और इसका ये जो डिस्प्ले है, इसमें 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, और जो सैमसंग का एमोलेड डिस्प्ले आता है वो है। और इसमें जो UI है वो सैमसंग का 3.1 है, 3.1 UI है, जैसे आप सब देख सकते हैं लेटेस्ट UI है। और ये A सीरीज़ का फ़ोन है, तो मतलब इसमें कोर वेरिएंट तो होगा ही नहीं, मतलब जो भी होगा सब ओरिजिनल ही होगा। अब बाकी का अब जो वीडियो आएंगी वो इसी से आएंगी, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा लग रहा है। सो गाइस कल पूजा हो चुकी है, और पापा का बर्थडे भी बड़ा अच्छा बना है, जैसा मैंने एक्सपेक्ट करा था उससे बहुत अच्छा बना। पूरे फैमिली मेम्बर्स आए थे, अच्छे से भजन कीर्तन हुआ, मजा आ गया। बड़े दिनों बाद घर में पूजा हुई, सोच ही रहे थे रखने की। अब मैं इस ब्लॉग को एंड करता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप कीप वॉचिंग। If you don't subscribe my channel, please subscribe it. Do not forget to like, share
एंड कमेंट बिलो. बाय. लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू एंड गॉड ब्लेस यू.